लोग बुतली। भाजपा प्रत्याशी मुकेश गोयल के समर्थन में स्थानीय नागाजी की गौर में जयपुर ग्रामीण सांसद केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने की जनसभा। पार्टी की रीति नीति की सराहना करते हुए भाजपा के प्रतिनिधि के पक्ष में मतदान किए जाने का किया आह्वान। गौरतलब बात यह रही कि भाजपा प्रत्याशी मुकेश गोयल नहीं रहे जनसभा में मौजूद, उसके समर्थन में पूरी तरह से जुटे हुए हैं और कमल का निशान कोटपुतली में खिलकर ही रहेगा और आप देखेगा कोटपुतली का जबरदस्त विकास होगा। धन्यवाद। 125 लाख रुपए देकर आप यहाँ पधारे हो, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद कर्नल साहब, आपका करोड़ों करोड़ों का धन्यवाद कर्नल साहब। और कर्नल साहब आज यहाँ फीता काटने नहीं आए हैं, फीता काटने आ रहे थे 6 तारीख को, आचार संहिता लग गई। हमारे लाडले का मन तो देखो कि एक बार उसमें सामुदायिक केंद्र को दूर से तैयार कराऊंगा। चुनाव आयोग की संहिता लगी हुई है लेकिन विकास की गंगा कभी नहीं रुक सकती, विकास की गंगा बहती रहेगी। इस कोटि कोटि जनता की ओर से, 26 गांवों की ओर से, कोटपुतली के दक्षिण द्वार की ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलवर से चुनावी प्रचार राजस्थान के श्री गणेश करा शुरुआत करी। पिछले कई सालों से, बल्कि मैं कहूंगा कई दशकों से कांग्रेस का पूरे देश के ऊपर शासन चल रहा था। इतने लंबे अरसे से जो शासन चल रहा था, आप सबको यहाँ पे नौजवान देख रहे हो, आप अपने घर में जाके पूछेंगे तब पता चलेगा। 50 साल के अंदर जो कांग्रेस ने इस देश के अंदर काम नहीं करा वो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 50 महीने के अंदर कर दिया। एक तरफ 50 साल और एक तरफ 50 महीने। आप गांव-गांव में जाकर पूछेगा जिन महिलाओं का, बहुओं का, बेटियों का 2014 से पहले उनको गांव खेतों में जाना पड़ता था शौच के लिए, क्या मान सम्मान की बात। क्या अभी तक इतने सालों तक किसी को ध्यान नहीं आया कि हमारी बहू बेटियों का मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल में रही होगी बचपन से कि उन्होंने बोला जब मुझे अवसर मिलेगा उस अवसर का सही इस्तेमाल करके मैं सभी महिलाओं के लिए शौचालय बना दूंगा, पूरे देश में किसी बहू बेटी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप मुझे बताइए यहाँ बड़ी मात्रा में खड़े हो, यहाँ पे माता बहन खड़ी हुई है, आप सब अपने परिवार के लिए मेहनत करती है नहीं करती बताइए? मेहनत करती है नहीं करती? और पूरे परिवार के लिए जब मेहनत करते हैं हम दिन रात, कोई दुकान में बैठता है, कोई खेतों में जाता है, कोई मजदूरी करता है। मैंने पिछले कई महीनों के अंदर, पिछले 4-4.5 साल के अंदर गाँव गाँव जाकर जो मैंने गरीबों से जो बात करी, जो महिलाओं से बात करी, जो इतने महीनों पहले, इतने सालों पहले होना चाहिए था वो आज हो रहा है। अगर महिलाओं के घर में गैस का कनेक्शन मिल रहा है तो पहले नहीं मिला, ये 2014 के बाद मिलना शुरू हुआ। किसने सोचा उन महिलाओं के लिए? कांग्रेस की सरकार ने नहीं सोचा। कांग्रेस की सरकार तो अपने ही 2G स्कैम, 3G स्कैम, डिजिटल 2G, कोलगेट, इन सब के बारे में सोचना पड़ता है, उनको सोचना पड़ता है। क्या संदेश देना चाहिए सर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद आज राजस्थान की भूमि से कर चुके हैं, क्या संदेश देकर के गए हैं कार्यकर्ताओं को? प्रधानमंत्री मोदी जी की शानदार रैली हुई अलवर में और राजस्थान का प्रचार का उन्होंने श्री गणेश कर दिया। बहुत जबरदस्त रिस्पांस वहां पर भी और आज कोटपुतली की सभा में भी। जहां जहां मैं अपने विधानसभा क्षेत्रों में जा रहा हूं, पूरी तरह से एक जबरदस्त समर्थन है राजस्थान के वासियों का। और ये इस कारण से है क्योंकि आज घर घर, हर गांव तक सरकार की योजना पहुंच रही है। ये जनता भी देख रही है कि ये पहली बार है कि एक ऐसी सरकार आई है जो घर पे पहुंचकर सरकार की योजना वहां तक दे रही है। और जिस तरह से एक नया राजनीतिक युग शुरू हुआ है, सेवा का, सेवा भाव का, घमंड का नहीं, लोगों तक मजबूती पहुंचाने का, ये पहली बार हुआ है। और इसी कारण से जिस तरह से यहाँ अदला बदली होती रहती थी, और वो अदला बदली भी शायद इसी कारण से होती थी कि लोगों को वो विश्वास नहीं मिल पाता था जैसा विश्वास उनको
किसी पार्टी में किसी सरकार में चाहिए, लेकिन आज विश्वास हो गया है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। 7 दिसंबर का जो मतदान होगा वो पूरी तरह से राजस्थान की हर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हक में। सर आखिर वो क्या कारण है जो कोटपुतली का टिकट तय होने में इतना समय लगा? भाई अगर मेरे को आप उस पार्टी उस कमेटी में डालते तो मैं बता देता आपको। सर आप उस कमेटी में नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया पार्टी का कार्यकर्ता, एक शानदार संदेश कि जातिगत यहाँ पर राजनीति नहीं होती, मेहनत जो करता है वही आगे बढ़ेगा, और ये संदेश कोटपुतली पूरे के पूरे राजस्थान ही नहीं भारत को दे सकता है। आने वाले समय में अगर कभी उदाहरण दिया जाएगा कि जिस तरह से जाति पर टिकट दिए जाते थे और उसको बदल कर मेरिट पर टिकट दिया गया तो हो सकता है कोटपुतली का नाम उसमें आए। संगठन में शक्ति है निसंदेह, ये बात भारतीय जनता पार्टी से सभी लोग सीखते हैं, लेकिन क्या कोटपुतली का भाजपा एकजुट है, विशेषकर टिकट वितरण के